नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारी एकेडमी के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आज यहाँ पर ऐसा हुआ कि इनका सेंटर भी एनालिसिस वाले दिन, मतलब जिस सेंटर में हम एनालिसिस के लिए आए वहीं पे हमारा स्टूडेंट देखने को मिला। तो मंगेश, आपका पेपर कैसा रहा? सर ठीक रहा, पेपर ठीक रहा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, आपका स्कोर कितना था? स्कोर तो थे 107 है सर। 107 नंबर। अच्छा, आसपास के कितने बच्चों के जो स्कोर रहे थे, कैसा रहा, कुछ पता चला वहाँ पे? 100 से तो कम है लगभग, पर 3-4 बच्चे से जिनके एक के 107 है, एक के 108 है, एक के 107, 108 है, एक के 127, 127 हमारे लिए। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉपिक में, मैथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? मैथ में टाइम एंड वर्क से और ट्रेन से। टाइम एंड वर्क ट्रेन से, और दो क्वेश्चन है, और सरलीकरण के 3 क्वेश्चन थे। और परसेंटेज के थे, परसेंटेज के लाभानी के नहीं आए थे, लाभानी के नहीं थे। और उधर से अच्छा, ऐसे कोई बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं, थ्योरी वाले, लंबे लंबे वाले, जो सरलीकरण वाले वो देखने को मिले। प्रतिशत वगैरह से, ब्याज वगैरह से नहीं आया था सर। प्रतिशत से जो परसेंटेज वाला था, परसेंटेज वाले थे, इंग्लिश में पूछा जाता है ना सर। हाँ, दो क्वेश्चन आए। अच्छा, रीजनिंग में कोई टॉपिक याद है? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग के बाद में अच्छा कुछ पेपर फोल्डिंग वगैरह इस तरह के, फोल्डिंग के 2 क्वेश्चन थे, फोल्डिंग के 2-3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद अच्छा, अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कहाँ से प्रश्न? बायो से ज़्यादा प्रश्न थे। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई प्रश्न? एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन आया था। एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन था, वैश्वीकरण वाला। कौन सा? वैश्वीकरण वाला। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें हम जो जीएस वाला पार्ट है, उसमें कहाँ से प्रश्न? एमपी के 6-7 क्वेश्चन थे। एमपी के 6-7, करंट के 2 क्वेश्चन थे, करंट के 2 क्वेश्चन। इसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के थे, पॉलिटी के नहीं आए। अच्छा, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। मैनेजमेंट में कोई टॉपिक याद है आपको? संगठन से, नियंत्रण से, सिद्धांत आए थे, सिद्धांत आए थे, प्रबंधन के सिद्धांत। ठीक है, और उसके बाद में नियंत्रण वगैरह से, नियंत्रण का एक था, और एक संगठन कार्यात्मक, संगठन वगैरह का, संगठन से प्रश्न थे देखने को। अच्छा, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, एमएस वर्ड से प्रश्न देखने को मिले। एमएस 6-7 प्रश्न कंप्यूटर में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एमएस वर्ड से आए थे सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के थे। अच्छा, सबसे ज्यादा उसी के प्रश्न थे। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें जो हमारा जो पार्ट था हिंदी वाला, उसमें पर्यायवाची, मुहावरे, पर्यायवाची विलोम शब्द, अलंकार, पर्यायवाची विलोम शब्द और अलंकार, अलंकार। और उसके बाद में 4 क्वेश्चन थे, उधर विलोम शब्द के अनेकार्थी का वाला एक आया था, अनेकार्थी वाला एक आया था। और के बाद में कौन सा था, याद कर लेता हूँ एक बार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इंग्लिश में सिनोनिम, सिंटोनिम से सब कुछ, प्रेजेंस, वर्ब, वर्ब आया था सर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पेपर टाइम तो सॉल्व करने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा? नहीं सर, समय नहीं लगा। टाइम पे पेपर हो गया था पूरा? कोई दिक्कत अंदर की प्रश्न दिख नहीं रहे वो, ऐसा कुछ? आसपास लैब में सबके कितने कितने नंबर थे? एक हाईएस्ट 127 था, 127 नंबर इनकी लैब में हाईएस्ट स्कोर था। ठीक है, तो हमारे साथ हमारे स्टूडेंट अभी मंगेश जुड़े थे। मंगेश, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम अगले रिव्यू की ओर चलते हैं। धन्यवाद, 2 मिनट में छोड़ दूंगा। नमस्कार साथियों, आज हम शाम का एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने हमारे अभ्यर्थी, क्या नाम है दोस्त आपका? विवेक जाटव सर। क्या नाम है? विवेक जाटव सर। विवेक जाटव, कहाँ से आए विवेक? सर मैं अशोकनगर, अशोकनगर से अभी यहाँ पर पेपर देकर आए हैं। जस्ट हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर कैसा रहा। तो विवेक, आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा सर, 92 नंबर आए हमारे। 92 नंबर है आपके? हाँ, बट इंग्लिश में समझ में नहीं आया। इंग्लिश मतलब इंग्लिश में समझ में नहीं आया, इंग्लिश टफ लगी आपको? हाँ टफ लगा थोड़ा बस, और थोड़े मैथ के भी सवाल थोड़े टफ लगे, मैथ के भी टॉपिक टफ लगे। अच्छा, लैब में नंबर बता सकते हो किसके नंबर ज़्यादा थे आसपास? आसपास एक मेरे पास में भैया बैठे थे, उसके 105 हैं, 115 नंबर है। हाँ, लैब में सबसे ज़्यादा। हाँ अच्छा, अगर आपसे पूछे हम यहाँ पर मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से देखने को प्रश्न मिले, सब बता सकते हो आप? इतना याद नहीं है। ठीक है, 4 दिन तक सोया नहीं मेरी यहाँ का, देखो सर। अरे 4 दिन से नहीं सोया आप? अरे सर 700 किलोमीटर दूर, मतलब अशोकनगर से नहीं देता हूँ। हाँ, अशोकनगर से कम से कम 300 किलोमीटर दूर और। अच्छा अच्छा, आप जो जो भी याद हो अभी आप सर को बताना, यहाँ पर कहाँ से कुछ कुछ सर अभी पूछेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ये मेरे ही क्षेत्र के हैं, बाकानेर से आए हैं। तो क्या नाम है आपका? मीनाक्षी मोरे। वो वाला बाकानेर नहीं है, गुजरी वाला बाकानेर। अच्छा, गुजरी वाले बाकानेर से आए। चलो कोई बात नहीं। तो आपका पेपर कैसा रहा? ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा। हाँ, मेरी जितनी मेहनत थे उतने ही नंबर। अच्छा, कितने नंबर आए फिर भी? 84 नंबर। अच्छा, अभी तैयारी करना शुरू करी थी? हाँ। अच्छा, अभी पढ़ना शुरू करा था। पूरा पेपर सॉल्व किया था?
हाँ पूरा किया था लेकिन टाइमिंग इतना नहीं कर पाए थे। तो अभी आप नए नए हो तो इसलिए आपको शायद टाइम लगा होगा। मैथ के क्वेश्चन अच्छे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन थे क्या? कुछ कम भी थे और ज़्यादा भी थे, मतलब थोड़े बहुत ऐसे थोड़े बहुत। अच्छा कोई टॉपिक याद है कि मैथ से ट्रेन से दूरी से ऐसे प्रश्न कुछ थे, कुछ बता सकते हो आप? ट्रेन से थे, नाव धारा से थे, अनुपात वाले थे। अनुपात वाले थे, अरे वाह बहुत बढ़िया। और कोई याद? सरलीकरण, सरलीकरण से दो क्वेश्चन थे, सरलीकरण से दो क्वेश्चन थे। चलो इसके अलावा अगर बात करें हिंदी में मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, समानार्थी ऐसे कुछ थे। लोकोक्ति से दो क्वेश्चन थे, लोकोक्ति से दो क्वेश्चन थे। और मुहावरे हाँ एक ही थे। और इसके अलावा कुछ? अच्छा अनुच्छेद से तो कोई ने पूछा था, कारक से दो क्वेश्चन थे, कारक से दो क्वेश्चन थे। अच्छा और एक रस से संबंधित था, एक रस से संबंधित था। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा इंग्लिश वगैरह के, इंग्लिश वगैरह का पेपर कैसा था? मेरा तो अच्छा नहीं रहा, पर कई दिक्कत हो गया सॉल्व, मतलब टाइम लगा। जीएस का पता है कुछ? मध्य प्रदेश से एकाध क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन थे, मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन थे। चलिए पर मुझे इतना कुछ याद नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, आप एक ही था। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिव्यू किया, थैंक यू सो मच, है ना। नमस्कार साथियों, आज का जो पेपर रहा है सेकेंड चैप्टर का, उसमें हमारी अभ्यर्थी ममता दांगी बातचीत करते हैं कि पेपर में कैसा क्या रहा है, ठीक है ना, और बहुत ही सटीकता से बताने वाली है। इनके स्कोर ही बहुत अच्छा रहा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सस्पेंस रखिएगा। तो हम बात करेंगे कि यार जो पेपर आज का रहा है उसका वेटेज कैसा रहा, पहले तो ये बताएं। अच्छा था, नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था उसका पेपर, हार्ड नहीं था। तो एक बात बताइए कि जो पेपर रहा है उसमें अगर बात करें तो मैथ्स के कुछ टॉपिक अगर याद है तो वो टॉपिक के नाम बताएं। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से थे, और इसे ट्रेन से भी था, नाव धारा से थे, पाई चार्ट था, और टाइम एंड वर्क से था, और सरलीकरण, हाँ सरलीकरण, लाभहानि, लाभहानि से था एक क्वेश्चन, है ना, और प्रतिशत से, प्रतिशत से भी था, है ना। तो मतलब एडवांस का वेटेज इसमें है कि नहीं है? है, उधर से भी था वो भी। कोई क्षेत्र में थी ऐसा कुछ आया? क्षेत्र में आया था ना, आयतन वाला था, आयतन और वर्ग का मिक्स क्वेश्चन था, तो उसमें परिधि निकालनी थी वर्ग की। तो मैथ्स और रीजनिंग जो टॉपिक रहा उसमें वेटेज कितना रहा, लगभग कितने क्वेश्चन आए? मतलब 60 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे मैथ्स और रीजनिंग के। बहुत अच्छे, मैथ्स और रीजनिंग का मैंने बताया कल भी ऐसा ही रहा और आज भी ऐसा ही, 60 से प्लस क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई रीजनिंग में कैसे कुछ टॉपिक आए उनके नाम और बता दीजिए। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से और आयु संबंधी क्वेश्चन आया होगा, माँ की उम्र पता की उम्र से ऐसा कुछ करके। हाँ ऐसा नहीं था। घड़ी कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आया? कैलेंडर भी नहीं था, घड़ी भी नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट होगा? हाँ। और उसमें डाइस पासा वगैरह कोई क्वेश्चन आया होगा? पासा से नहीं था, आकृति से था। आकृति से क्वेश्चन? हाँ दो तीन था आकृति का। और लुप्त वाली संख्या कुछ पूछी होगी? वो भी था, है ना, सीरीज वाले, सीरीज वाले। और कुछ टॉपिक याद है? कोई दिक्कत नहीं। अगली बात बताओ मुझे कि हम बात करें कि भाई ये कंप्यूटर के बारे में बहुत बड़ी समस्या रही आज की, कंप्यूटर के टॉपिक के नाम बता दीजिए। कंप्यूटर में नेटवर्क से भी था, नेटवर्क से और वो सॉफ्टवेयर से था, सॉफ्टवेयर। हाँ और एक FAT का फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म पूछा, एक शॉर्टकट की पूछी थी, शॉर्टकट की भी पूछी गई आज। और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा सर। और जो लैंग्वेज वाले टॉपिक है, लैंग्वेज से क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में? लैंग्वेज को टोपोलॉजी से आया था, टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और बात करें तो जो जनरेशन जो होती है पीढ़ियाँ, उन्हें से क्वेश्चन आया था? पीढ़ियाँ से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कंप्यूटर हो गया। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के टॉपिक बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक पूछे गए। मैनेजमेंट में एक वो था विपणन से था, विपणन मार्केटिंग, मार्केटिंग पूछा गया। हाँ और नियंत्रण से भी था, नियंत्रण से क्वेश्चन आया। हाँ और बिजनेस संबंधी कोई क्वेश्चन आया? हाँ उससे भी था, व्यापार वगैरह ऐसे था, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन आया। एक बात और, हिंदी में जो आया है क्या हिंदी आसानी से बन गई आज की? हाँ हिंदी सरल थी। कौन कौन टॉपिक्स से याद रहे? रस था, अलंकार था, और पर्यायवाची, विलोम, और वाच्य से भी थे दो क्वेश्चन। दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है। एक महत्वपूर्ण बात, साइंस के तीन पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसका वेटेज ज़्यादा लगा? अच्छा केमिस्ट्री का, अच्छा केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज लगा, ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे आज की हमारी जो जीके वाला पोर्शन होता है, इसमें एमपी जीके से कितने कुछ क्वेश्चन पूछे गए? 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5 से कुछ करंट वगैरह के बारे में? करंट भी था दो तीन क्वेश्चन, और एमपी में अभ्यारण से क्वेश्चन था, अभ्यारण से क्वेश्चन आया, और ज्योग्राफी में था, राष्ट्रीय उद्यान से, ज्योग्राफी भी आज पूछी गई, है ना। और कुछ जीके के बारे में? हिस्ट्री से था एक क्वेश्चन, पॉलिटी से था एक क्वेश्चन, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा था वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, मतलब करंट को भी उन्होंने पॉलिटी से रिलेट कर दिया और क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए बहुत अच्छा स्कोर रहा आपके, स्कोर एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आ चुका है वो आ चुका है। 110
ममता दांगी के 110 नंबर इसमें आए हैं। और बात करें SSGD में, तो SSGD में इनके 121 नंबर हैं, लगभग उनमें भी ये क्वालिफाइड हैं। पिछले कांस्टेबल मेरिट से बाहर रही हैं। आबकारी में इनके 70 नंबर हैं, लगभग हर पेपर में ये एग्ज़ाम क्लियर कर रही हैं। दोस्तों तो ऐसी जानकारी आपको बार बार मिलती रहेगी, मिलिएगा बाद में। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रेनिका शर्मा है। कितने मार्क्स आए मैम आपको? मेरे 115 मार्क्स हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं मैम आपके। थैंक यू। आपके जो पूरे इसके अंदर लैब के अंदर कुछ आपको पता है क्या एक एवरेज रहा है? वो देख नहीं पाए थे हम लोग, क्योंकि देख नहीं पाए। बस बताइए मुझे कि आप जो है क्या कोई सिस्टम कभी बंद हुआ है किसी का बच्चे का, या फिर टाइम में कोई इशू आया ऐसा कुछ? हाँ, एक बच्चे का हुआ था, उसने लैब में बोला भी था। और क्या आपका एग्ज़ाम लेट हुआ ऐसा कुछ? नहीं, ये चीज़ नहीं हुई। पेपर का वेटेज कैसा था? वेटेज तो सर बढ़िया था, मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा है। कितने क्वेश्चन आए मैथ्स? मैथ्स रीजनिंग अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन के समथिंग आ रही है। अच्छा, दोनों मिल के क्वेश्चन ज़्यादा या रीजनिंग ज़्यादा है? दोनों 50-50 है। हिंदी का जो वेटेज रहा है? हिंदी भी टफ है सर। आराम से बन रहे थे कि दिक्कत? नहीं, हिंदी भी टफ है सर, हिंदी भी टफ आई, इंग्लिश ठीक थी। इंग्लिश जल्दी जल्दी करना है ना। ये आर्टिकल हो गया, ठीक है, ट्विटर मैनेज हो गया, वॉइस हो गया, स्पीच से आ रहे थे सर, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। एक चीज़ बताइए, जो नया टॉपिक जुड़ा है मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के बारे में क्या कुछ क्वेश्चन आया? मैनेजमेंट तो मुझे बहुत टफ लगा, बिकॉज मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को नहीं आया। संबंधित कोई क्वेश्चन आया? हाँ, बहुत ज़्यादा थे, विपणन वगैरह बहुत दिक्कत आ रही थी। वाला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, हिंदी में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? संधि, समास, अलंकार, कुछ ऐसा कुछ याद है क्या? कुछ क्वेश्चन हो थोड़ा सा? ये नहीं याद है सर। नहीं, क्योंकि इससे आपके जो बच्चे जो देख रहे हैं ना, उनको हेल्प मिल रही है और हाँ, मोटिवेट रहेंगे कि यार हम कैसे क्या करें, है ना। हमारा पेपर हो चुका है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उन्हें फायदा हो जाएगा। मुझे बताइए, आपकी जो साइंस होता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से क्या ज़्यादा है? सर MPG के तो बहुत ही ज़्यादा आ गया, और साइंस में मुझे फिजिक्स ज़्यादा दिखा। फिजिक्स ज़्यादा है। और एक बात बताइए, मैथ्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, पूरा MPG की दिखा। महत्वपूर्ण बात पर आप जा सकते हैं कि जो मैथ्स की बात कर रहे हो भैया, 50 से ज़्यादा स्कोरिंग हो रही है। कुछ टॉपिक याद है आपको, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो गया, प्रतिशत, लाभ, हानि? प्रतिशत से आ रहे हैं, प्रतिशत से मुझे दिखे, और वो ग्राफ चार्ट वाले जो आते हैं वो भी, पाई चार्ट वाले। एंड साधारण ब्याज वगैरह से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, ब्याज का नहीं दिखा सर। लाभ हानि से? हाँ, लाभ हानि के थे। सरलीकरण? हाँ, सरलीकरण भी था। बहुत अच्छे इंटरव्यू रहा। आपका नंबर कितना है एक बार बताइए? 115 मार्क्स। बहुत अच्छे नंबर है आपके, और तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलिए दोस्तों, अगले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। इनका क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित भाई का स्कोर कितना है? 74 स्कोर, यानी आपकी लैब में 100 के अंडर ही स्कोर मिला देखने को, 100 के नीचे? नहीं, दो जनों के देखे मैंने, एक के 101 थे और एक के 106 थे। एक के 101 और एक के 106, और बाकी सबके मतलब 87, 88, 90 ऐसा ही। लेकिन अभी जो कुछ बच्चे गए उनका कहना है 140, 141 तक भी, तो इतना मैंने तो नहीं देखे में नहीं थे। नहीं, मैं लेट ही आया हूँ, पूरी लैब पूरा घूम के आया हूँ, भ्रमण करके आया हूँ, पर वो एक बस दो जनों के ही दिखे, एक के 101 और एक के 106, बस उससे ज़्यादा 90 से ज़्यादा मतलब किसके देखने को मिले ही नहीं है। अच्छा, कोई टॉपिक याद है आपको कि हाँ ऐसा प्रश्न? प्रश्न तो सब बहुत अच्छा आए, और हिंदी के मतलब भाषा के आए हैं, और एक इंग्लिश के अच्छा आ गए हैं, और ऊपर से मैनेजमेंट के भी अच्छा आए हैं, जो कि मैंने करके MBA का था तो वो अच्छे थे मेरे। अच्छा, क्योंकि मैंने MBA वाले थे तो आपका अच्छे से। आप इसी की तैयारी कर रहे थे या फिर? नहीं, मैंने तैयारी कुछ भी नहीं करी है, तैयारी कुछ भी नहीं करी, बस मुँह उठा के आ गए, सीधे बात बताऊंगा। अच्छा, अगर बस ये है कि पेपर देखने बाद मेरी इच्छा थी कि पढ़ लेता तो थोड़ा अच्छा रहता, तो स्कोर अच्छा, मतलब पेपर अच्छा था, आप कर सकते थे सॉल्व, कर सकते थे, बहुत आराम से कर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अंकित हिरवे। अंकित, अंकित जी का बहुत अच्छा नाम है दोस्त आपका। शुभम रघुवंशी। शुभम रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया था सर। अच्छा अच्छा, आप ये बता सकते हो कि कितना स्कोर रहा आसपास के बच्चों का और आपका, अगर आप चाहो तो? 89 के अराउंड स्कोर रहा। अच्छा, 89 के अराउंड रहा, और आसपास के बच्चों का स्कोर आप पर कुछ आपको याद हो? सर यही 75 या 89 के अंदर ही देखने को मिला। आप मैथ्स में बता सकते हो कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिले हमें? मैथ्स में आपको लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिले। लॉजिकल ट्रेन वाले हमेशा जो पूछे जाते हैं, ट्रेन वाले जो प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे वही देखने को मिले। वही देखने को मिले, मतलब 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे। अच्छा, लेंथी क्वेश्चन थे? थोड़े लेंथी नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, अगर आपने पढ़ाई की है तो बन जाएंगे क्वेश्चन। कोई ऐसा टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हो आज के, नहीं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार उससे क्वेश्चन?
ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं था, बाकी एक नया टॉपिक देखने को मिला था इसमें। कौन सा? कौन सा? मतलब कि आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, मैनेजमेंट का पार्ट होगा। मैनेजमेंट के पार्ट से वो तो सिलेबस में ही था हमारे। अच्छा, उसमें कोई टॉपिक याद है? मार्केटिंग वगैरह से, विपणन, मार्केटिंग से प्रश्न देखने को मिले थे। मार्केटिंग अगर नई कंपनी लॉन्च होती है तो क्या क्या प्रोसेस? अच्छा, ये सब अपने मैनेजमेंट के प्रश्न थे। मैथ्स में कोई टॉपिक याद है आपको कि सर यहाँ से देखने को मिले? मैथ्स में अनुपात के क्वेश्चन आपको मिले थे। अच्छा, अनुपात के। अच्छा, मैं अगर बात करूँ तो जैसे करंट अफेयर एड हुआ क्या या नहीं? करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे जो एमपी से रिलेटेड। एमपी से रिलेटेड 2022 या 23 के? कौन सा करंट? करंट में 22 के पूछे गए, 23 के पूछे गए। 22 और 23 के दोनों पूछे गए। एमपी से किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? एमपी से मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ, स्मारक वगैरह कुछ। स्मारक जो नदियों का जिक्र नहीं हुआ है। कोई फेमस पर्सनालिटी? फेमस पर्सनालिटी नारी के बारे में कोई बुक्स वगैरह? बुक्स के बारे में, बुक्स वगैरह से कुछ भी नहीं था। चलो थोड़ी सी जानकारी मुझे बताओ कि महत्वपूर्ण जानकारी पूछूंगा आपका। पहली बात तो नाम बता दीजिए। शुभम लोवंशी। तो जो साइंस का जो पोर्शन रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसका पोर्शन में ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है? ज़्यादा मैथ्स का, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ साइंस के तीन भाग होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है। उसमें ज़्यादा किसको पूछा गया है? ज़्यादातर साइंस में क्वेश्चन जो पूछा गया बायोलॉजिकल, बायोलॉजी से पूछा गया। जी भाई, क्या आपको इसमें हिंदी के कुछ टॉपिक याद है जो कि बता पाओगे? नहीं सर, ऐसा कुछ टॉपिक हिंदी के टॉपिक जैसे कि संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग। अलंकार के मोस्टली क्वेश्चन कम से कम 15 से 12 कवर थे। कोई पर्यायवाची वगैरह? 12 से 15 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बात मुझे कंप्यूटर में बताइए, कंप्यूटर में क्या कुछ टॉपिक पूछे गए हैं? कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमएस अराउंडेड 5 से 6 एम एस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसके अलावा 5 से 6 एम एस एक्सेल के क्वेश्चन थे। एमएस से बैठ से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो और लोगों के इंटरव्यू लेते हैं अभी। ठीक है, आप हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़े। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपको, है ना। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर, हमने हर एक बच्चे से ऐसे एनालिसिस की बात समझी यहाँ पर, और हर एक बच्चे से ये जानने का प्रयास किया कि नंबर कितने हैं, आपकी लैब में कितना स्कोर है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हमको शाम की शिफ्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर आज जानने को ये मिला कि बच्चों के नंबर आज कम रहे, जो अदर शिफ्ट है उसमें बच्चों के नंबर थोड़े कम देखने को मिले, यानी कहीं ना कहीं पेपर का स्तर फिर बढ़ा है यहाँ पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लगातार बने रहिए न्यू अतुल एकेडमी के चैनल के साथ। ऐसे ही आपको एनालिसिस यहाँ पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।